अगर आप फेशियल हेयर के ग्रोथ से परेशान हो गए हैं फेशियल हेयर काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है जो कि जिससे जो हमारा फेस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही बेकार सा लगता है सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल खुशबू ब्यूटी केयर आई होप आप सब अच्छी होंगे और एकदम बढ़िया होंगे सो फ्रेंड्स आज मैं आप सबको फेशियल हेयर को परमानेंटली रिमूव करने के लिए एक डी क्रीम बताऊँगी जिसे आप घर पर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम है और इसमें जो भी चीज़ें हम इंक्लूड करने वाले हैं ना वो फेशियल हेयर के रूट्स में जाकर उसे वीक कर देती हैं जिससे जो हमारा फेशियल हेयर है काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा सो इस क्रीम को बनाने के लिए हम पपीता यानी कि पपाया का चार से पाँच स्लाइसिस चाहिए जिसे हमें ग्राइंड कर लेना है पीस लेना है मिक्सर में और उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और यहाँ पर छन्नी के हेल्प से मैं इसे स्ट्रेन कर ले रही हूँ ताकि हमें एक बिल्कुल फाइन बारिक सा एक क्रीमी पेस्ट मिल जाए अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है तो आप इस क्रीम को ज़रूर यूज करें और इस क्रीम को ना किसी भी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं चाहे वो थर्टीन ईयर्स के हों या फोर्टीन ईयर्स की हों किसी भी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं और इस क्रीम को हमें मतलब रात में ना बहुत जरूरी है अप्लाई करना अपने फेस पे आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं बट बट रात को अपने फेस पे इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस क्रीम के ना काफ़ी सारे फ़ायदे हैं फेशियल हेयर ही स्लो डाउन करने में ये हेल्प नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा पपीता तो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो आप जानते ही होंगे इस क्रीम को आप वन वीक तक आराम से रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कोई भी डी चीज़ें होती है ना तो वो जितनी फ्रेश आ, मतलब रहेंगी ना हमारे फेस पे वो उतना ही अपने अपना असर दिखाती हैं उतना ही वो इफ़ेक्टिव होती हैं पपाया में ना पपाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि फेशियल हेयर को स्लो डाउन करता है फ्रेंड्स ये मैं नहीं कह रही यह एक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि पपाया हमारे हे, फेशियल हेयर ग्रोथ को स्लो डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल है आप चाहे तो गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं सर्च करके इसमें आ, हाफ स्पून कर्ड फ्रेश कर्ड मिक्स करना है और वन स्पून एलोवेरा जेल मिक्स करना है अच्छे से इन सबको मिक्स करना है और वन विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करना है अभी समर सीजन चल रहा है तो इसलिए मैं वन बस यूज़ कर रही हूँ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दो ले सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वन ही यूज़ करिए उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर काफ़ी ऑयली ऑयली से हमारे फेस पे लगने लगता है सो बस और कुछ नहीं करना है हमारा जो फ़ेस क्रीम है वो रेडी है और आप इसे दिन में रात में मतलब एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और इसका जो ये क्रीम ना मुझे काफ़ी पसंद आया आप देख सकते हैं इसका जो ट्रैक्चर है काफ़ी अच्छा लग रहा था और अभी आप मेरा हैंड देख रहे हैं ना बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है और कोई भी ग्लो नहीं लग रहा है अभी आप देखिएगा ये काफ़ी इजिली एब्सार्व हो गया और काफी अच्छा लग रहा है सो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सो बाय